How to fix connection fail, no internet connection was found problem in Candy Crush. स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकराज YouTube चैनल पर. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Candy Crush ऐप पे आपको यहां पे connection fail, no internet connection was found जो प्रॉब्लम आपको बताता है इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. तो दोस्तों यहां पे देखिए ये किस लिए होता है. देखिए सबसे पहले तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा. कभी-कभी इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन ही है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तब तो आपको दोस्तों सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पे. प्ले स्टोर पे जाके आपको कैंडी क्रश सर्च करना है और यदि इसका अपडेट वर्जन आया है तो आपको अपडेट कर लेना है. कभी-कभी अपडेट नहीं करने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है. अपडेट करने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सेटिंग्स पे जाके एकदम नीचे चले आइए, एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे चले जाइए या फिर इंस्टॉल्ड एप्स के नाम से आपको शो होगा. ठीक है, आपको बेसिकली एप्लीकेशंस पे आना होता है. उसके बाद आपको यहां पे ढूंढना है कैंडी क्रश. कैंडी क्रश सागा यहां पे आ चुका है. इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्स स्टॉप कर दीजिए इसे और स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डाटा में क्लिक करके क्लियर कर दीजिए इसे और बैक चले जाइए. और यहां पे बैक चले जाने के बाद में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है. यहां पे यदि अलाउ ऑटो स्टार्ट अप है तो इसे आप ऑन कर दीजिएगा. यह करने के बाद में अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट मारिए और कैंडी क्रश ऐप खोलिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वाचिंग.